इलेक्ट्रॉन्स आपके अनियमित घूम रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण से आपकी चालक में धारा प्रवाहित नहीं प्रवाहित हो पा रही है। जब ये वेग उत्पन्न हो जाता है अनुगामी वेग, क्या हुआ वेग, तब वो एक निश्चित डायरेक्शन चलते हैं जिसके कारण से क्या होती है आपकी करंट उसमें प्रवाहित होती है। ठीक, ये था अनुगामी वेग का फंडामेंटल। ठीक, अब इसी में कुछ परिभाषाएं आती हैं, इसी में आपकी कुछ परिभाषाएं आती हैं। नंबर एक आता है आपका मुक्त माध्यम पथ, नंबर दो इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, दूसरा आता है आपका शांति का, इसको टाउ से, इसको टाउ से। पहले जो है आपका मुक्त माध्यम, मुक्त माध्यम का मतलब यह है एक रास्ता है, पथ है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें टकराए, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के बीच किससे होनी चाहिए, किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे मोशन में इससे टकराया फिर इससे टकराया, ठीक, ये जो दूरी तय की है यहां से लेके यहां से लेके यहां से, ये होता आपका मुक्त माध्यम पथ। दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन ने मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है आपकी, मुक्त माध्यम पथ होता है। ठीक हो गया, शांति का जो होता है आपका एक समय है, टाइम है, इसका थोड़ा सा यहाँ पर अनुगमन वेग आ गया इसलिए इसका थोड़ा टाइम का नाम बदल गया है, वो आपका शांति काल, मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगा समय, यानी यहाँ से इस पर टकरा यहाँ से यहाँ टकरा, ठीक, तो कितना समय इसको इससे टकराने के बाद इससे टकराने के बाद लगा, ठीक है, वो समय वो कहलाता आपका शांति काल। ठीक, अब देखो अगर इसका मुक्त माध्यम पथ लैम्डा है यहां से यहां तक की बात, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मुक्त माध्यम पथ लैम्डा है, इसको हम लैम्डा से ही डिनोट करते हैं, ठीक, और समय लगा इसको टाउ, ठीक है, तो इसमें एक संबंध आता है टाउ बराबर आपका, और जो इसका औसत वेग है, औसत वेग जो है आपका वी आर एम एस, जो मतलब यहां से यहां चला भी यहां चला, कोई किसी ने किसी वेग से तो चला होगा, तो वो क्या होता है आपका वी आर एम एस, वर्ण माध्य मूल मान, ठीक है, औसत वेग ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां से यहां तक कुछ समय कम भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि जितना समय यहां से लग रहा है उतना ही इसमें भी लगे, अब कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है आपका नजदीक भी हो सकता है कोई पास भी हो सकता है, इसलिए औसत कब निकालते हैं हम, जब क्या हो हमारी गति क्या हो चाल क्या हो आपकी कम ज्यादा होता है औसत निकालते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको उतनी उतना वेग मिल जाता है। ठीक, तो इनमें संबंध जो आता है आपका शांति काल बराबर जो होता है आपका लैम्डा अपॉन वी आर एम एस, ठीक, किसमें है ये टाउ या वी आर एम एस या लैम्डा में, ये क्या है शांति काल, ये क्या आपका मुक्त माध्यम पथ, ये आपका वी आर एम एस यानी वर्ण माध्यम मूल्य। ठीक, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये कम हो जाएगा क्योंकि जो कंपन है वो क्या हो जाएंगे पास पास हो जाएंगे, ठीक, ये कम होने से क्या हो जाएगा आपका लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा कम हो जाएगा पास हो जाएगा मतलब मुक्त माध्यम पर कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो शांति काल क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ये संबंध बताता है। ठीक, अब इसमें अगला जो टॉपिक आएगा इनका एक रिलेशन वाला आएगा, तब तक इसको पढ़िएगा।